हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल में। तो आज हम लेके आए हैं सहजन की बहुत ही टेस्टी मसालेदार सब्ज़ी बनाएंगे, और इसमें टमाटर बिल्कुल भी नहीं देंगे क्योंकि टमाटर भी बहुत महंगा हो गया है। तो हम टमाटर इसमें नहीं डालेंगे, बिना टमाटर के आलू सहजन की बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बनाएंगे। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए आपको बिल्कुल भी झंझट नहीं है और बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने सहजन को छोटे छोटे पीसेस में काट कर ले लेंगे इस तरह, और इसका छिलका हम चाकू या फसुल के सहायता से हम निकाल कर ले लेंगे। तो देखिए कितना सारा छिलका निकला है। अब इसे हम पानी से साफ़ कर लेते हैं, और आलू को हम छिलका सहित छोटे छोटे पीसेस में काट करके धो कर के ले लिए हैं। अब यहाँ तेल गर्म हो गया है, तो सबसे पहले हम सहजन को फ्राई कर लेते हैं। तो सहजन को हमें नमक थोड़ा सा डाल करके और अच्छा से फ्राई करना है। आप इसे सहजन भी बोल सकते हैं, मूंगा सीटी भी बोल सकते हैं, या डाठा बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम से इसे जाने जाते हैं, पर बिहार में इसे सहजन ही बुलाते हैं। और आज की सब्जी हम बिहारी स्टाइल में, बिल्कुल बिहारी स्टाइल में बनाने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। अब मसाले में लेंगे यहाँ पर लहसुन, सरसों, हल्दी पाउडर और मिर्चा पाउडर। इन सबको रख करके हम साथ में ही पानी डाल करके पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो इसे हम मिक्सी जार में पीस लेते हैं। अगर आपके पास मिक्सी जार नहीं है तो आप सिलौटे पर पीस लीजिए। अब यहाँ पे सहजन जो है फ्राई हो गया है अच्छा से, इसे हम एक दूसरे बर्तन में निकाल करके ले लेते हैं। तो इस तरह हम सहजन को फ्राई करके अगर सब्जी बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब इसमें हम फ़ोरन देंगे। तो फ़ोरन हम ये मेथी अजवाइन को फ़ोरन दिए हैं, और यहाँ पर आलू जो हम काट कर धोकर रखे थे उसे छिवा करके आलू को भी हल्का भून लेंगे। मसाला पीस गया है हमारा, तो अब हम मसाले को आलू के अंदर डालेंगे, और जार में थोड़ा सा मसाला सटा है तो थोड़ा सा पानी डाल करके हम मसाले को अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पे अगर आपके पास टमाटर है तो आप डाल सकते हैं। फिर नमक स्वाद अनुसार देंगे और मसाले को आलू के साथ अच्छा से भून लेंगे। तो मसाला जो है हमारा आलू के साथ अच्छा से भुना गया, इसे हम ढक ढक के पका लेंगे। तो देखिए मसाला अच्छे से भुना गया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे, तो पानी हम ग्रेवी के हिसाब से डालेंगे। तो यहाँ पर हम 2 गिलास बराबर पानी डाले हैं, जिससे पतला ग्रेवी बनेगा और चावल से खाने के लिए बहुत ही बढ़िया लगेगा। अब इसे हम सहजन को इसमें डाल देंगे, और सब्जी के साथ अच्छे से इसे ढक करके हम गैस फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 4 से 5 मिनट तक छोड़ देंगे। तो सब्जी हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो देखिए सब्जी में कितना बढ़िया कलर आ गया है, और एक भी मूंगा सीटी जो है यानी सहजन जो है टूटा नहीं है, और बहुत ही अच्छा से सब्जी बनकर रेडी हो गया है। अब यहाँ हम सब्जी को चावल के साथ सर्व कर रहे हैं। अगर आप ऐसी सब्जी बना रहे हैं सहजन आलू का, तो बहुत ही टेस्टी बनता है, दाल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सब्जी के साथ आप चावल या रोटी खा सकते हैं। तो हमने यहाँ पहले से चावल बना करके रखे थे, और इसे हम चावल के साथ सर्व किए हैं। वीडियो पसंद है लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें।